जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको ये विंडो नज़र आएगी। इस विंडो में आपको सेट करना है आपके एलईडी मैट्रिक्स का साइज़। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है विड्थ, जो जिसमें कि सिलेक्टेड है 4 पिक्सल एलईडी। अब आपको जितने भी पिक्सल का गेट बनाना है, जैसे 16 पिक्सल का, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए 16 पिक्सल एलईडीज। और आपको इसका लेंथ जितना रखना है, जितनी भी एलईडी का लेंथ रखना है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे एक कॉमन साइज़ है 128 पिक्सल की, तो मैं यहाँ मेन्यू से 128 पिक्सल सेलेक्ट करूँगा। ये अब हमने अपना सेटिंग कर लिया है। ये हमारे एलईडी गेट का विड्थ होगा 16 पिक्सल और इसकी लंबाई होगी 128 पिक्सल की। अब हमें क्लिक करना है फिनिश। अब ये एप्लीकेशन का मेन विंडो आपके सामने है। तो इसमें सबसे टॉप में आपको नॉर्मली जैसे मेन्यू होते हैं, वो मेन्यूज़ हैं यहाँ, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ड्राइंग मेन्यू और भी कई मेन्यूज़। उसके नीचे आपको मिलेंगे टूल बार बटन्स। अब ये लेफ्ट हैंड साइड एरिया में आपको मिलेगा सारा ड्राइंग का टूल, और ये है आपका मेन ड्राइंग एरिया। तो इस मेन ड्राइंग एरिया पे आप इस टूल्स को यूज़ करके ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पेंसिल टूल, लाइन टूल, फिल टूल और इंपोर्ट इमेज टूल। अब मैंने यहाँ ड्राइंग टूल बार एरिया से लाइन टूल सेलेक्ट किया है, और ये है हमारा कलर चूज़र एरिया। यहाँ पे आपको सारे अवेलेबल कलर्स नज़र आएंगे। अब यहाँ से मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ ड्राइंग एरिया में कुछ इस तरह से ड्राइंग बनाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया है। अब मैं फिल टूल की मदद से इसके बीच के हिस्से में कलर भरूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारे गेट के इस पार्ट में ये सेम पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब क्योंकि हम इस एग्जांपल में चाहेंगे ये सेम पैटर्न ही पूरे गेट के ऊपर कॉपी हो जाए, इस खाली एरिया में भी यही सेम एरो का पैटर्न जाना चाहिए, तो इसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन दिया हुआ है, जो जिसकी मदद से हम इस डिज़ाइन को, सेम डिज़ाइन को पूरे गेट के ऊपर कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आप जाइए ड्राइंग मेन्यू में, वहाँ एक ऑप्शन है कॉपी डिज़ाइन और एक कॉपी डिज़ाइन एंड चेंज कलर। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको कॉपी डिज़ाइन ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो हम कॉपी डिज़ाइन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे यहाँ पूछ रहा है इस डिज़ाइन की कितनी कॉपी बनानी है। तो यहाँ अगर हम 8 कॉपी बनाएंगे तो ये पूरे गेट के ऊपर कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ 8 सेलेक्ट करूँगा और ओके क्लिक करूँगा। अब देखिए यही एरो 8 बार यहाँ कॉपी हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन, देखिए सारे व्हाइट कलर में ही कॉपी हुए हैं, अगर आप चाहते हैं ये सारे एरो अलग अलग कलर में बने, तो आप सेलेक्ट कीजिए ड्राइंग कॉपी डिज़ाइन एंड चेंज कलर। इसमें भी आपसे वही सेम ऑप्शन पूछा जाएगा कितनी कॉपीज़ बनानी है, तो आप सेलेक्ट करिए 8 कॉपीज़। आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 8 कॉपीज़ बन गई, बट हर बार इसका कलर चेंज है। अब और एक फंक्शन है, आप देखिए ये गेट यहाँ इस विंडो में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, तो अब हम इसकी एलईडी के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये पूरी तरह से इस ग्रे एरिया में फिट हो जाए और थोड़ा बड़ा दिखे। तो उसके लिए मैं एलईडी के साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा। देखिए एलईडी की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये गेट थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब ये परफेक्ट साइज़ में हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हम एलईडी के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। आप तब तक ये इंक्रीज बटन को यूज़ कर सकते हैं जब तक ये फुल्ली आपके विंडो में डिस्प्ले ना हो जाए। अगर आप साइज़ बहुत बड़ा कर देंगे तो ये नीचे का पोर्शन आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, तो आप इसे छोटा कर सकते हैं जब तक पूरा गेट आपको नज़र ना आए। अब इसमें हमें एनिमेशन सेलेक्ट करना है, एनिमेशन डालना है। इस फ्रेम को हम एनिमेट करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑटो एनिमेट के ऑप्शन दिए हैं। जैसे मैं इसे अगर राइट टू लेफ्ट चलाना चाहूँ, मूव करना चाहूँ, तो ऑटो एनिमेट में जाके
राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब ये हमारा सारा फ्रेम जनरेट हो गया है। देखिए अभी से हम यहाँ प्ले एनिमेशन की मदद से प्ले कर सकते हैं। देखिए ये गेट का डिज़ाइन आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ चल रहा है। इसी तरह इसे अगर हम ऑटो एनिमेट में लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये उल्टा चलेगा। और हम अपने इस गेट के डिज़ाइन में एक से ज़्यादा डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। उसके लिए ये डिज़ाइन एक्सप्लोरर में आपको जाना होगा। अभी इसमें एक ही डिज़ाइन दिखा रहा है जो कि है डिज़ाइन ज़ीरो। तो अब मैं अगर इसमें ऐड डिज़ाइन क्लिक करूँगा तो और एक डिज़ाइन ऐड हो जाएगा जो कि ब्लैंक है। और ये है हमारा पहला वाला डिज़ाइन जो हमने बनाया। तो सेकेंड डिज़ाइन में अगर हम चलिए कुछ नया डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन हमने बना लिया। अब उसी तरह से फिर ड्राइंग मेन्यू में जाके इसे पूरे गेट में कॉपी करेंगे। ये पूरा कॉपी हो गया। तो इसमें एनिमेशन इफेक्ट डालेंगे और प्ले करके देखेंगे। देखिए ये दूसरा डिज़ाइन बन गया। ये हमारा पहला डिज़ाइन। जब ये काफ़ी बार रन हो चुका होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और सेकेंड डिज़ाइन आ जाएगा। इस तरह से आप एक के बाद इसमें कई सारे डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। इसमें कॉपी और पेस्ट का फंक्शन भी दिया हुआ है और कुछ यूज़फुल फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप मैंने एक डिज़ाइन और ऐड किया डिज़ाइन टू जो कि हो गया है। इसमें अगर हम कुछ ड्राइंग कर रहे हैं और अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप ड्राइंग मेन्यू में जाके क्लियर सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं ये डिज़ाइन पे गया, इस पर अगर मैंने कॉपी दबाया ये डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। ये इमेज जो मैंने यहाँ बनाया है ये कॉपी हो जाएगा। अब हम इसे अगर कोई ब्लैंक डिज़ाइन में जाना चाहें तो यहाँ इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन आ जाएगा। आपको दोबारा ये डिज़ाइन बनाना नहीं होगा। ये कॉपी ऑन पेस्ट का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है टूल बार में। अभी ये सॉफ्टवेयर हमारा इनकम्प्लीट है। इसमें काफ़ी सारा फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे। ये जस्ट एक प्रीव्यू था और आप इसका डेमो वर्जन भी डाउनलोड करके खुद भी ये सब फीचर जो मैंने आपको दिखाया है वो ट्राई कर सकते हैं।